ही गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोर फोल्ड किया हुआ है और इसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। टोटल लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। ये फोर फोल्ड मैंने लिया है 15 इंचेस का। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल का पार्ट भी मैं लूँगी 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। और जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें स्लिट तैयार करनी है, इसके लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे हम 11.5 इंचेस पे एक और मार्क करेंगे। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 10 इंचेस। और फ्रंट के लिए जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच हमें मार्क करना है, तो 10.5 इंचेस पे एक और मार्क करेंगे। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ऊपर से हमें हिप्स की लेंथ मार्क करनी है, तो यहाँ पे मैं लूँगी 20 इंचेस। और यहाँ पे है ये हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस। उसके बाद ये जो हमारी दोनों लाइन है इसे हमें यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है क्रॉस में। और ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें नीचे तक स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो इस लाइन को हमें नीचे तक स्ट्रेट में एक्सटेंड कर लेना है पूरी लेंथ तक। और नीचे से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, तो हमने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। 3.5 पे मार्क करके यहाँ से हमारा आर्म होल का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने मार्किंग कर ली है, हमें इस पार्ट को कट कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमारी बाहर की लाइन है उसे हम कट करेंगे। ये जो हमारी बाहर की लाइन है उसे हमें सबसे पहले कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है, वो होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है उसे हम अच्छे से वापस 2 फोल्ड कर लेंगे, वो होगा हमारा बैक का पार्ट। इसे हम अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके इसे सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो ये होगा हमारा बैक का पार्ट। अब हमें स्लीव्स को कट करना है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमने इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। तो टोटल स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें शेप देते हुए यहाँ तक एक्सटेंड करना है इस पॉइंट तक। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स हैं।
अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमने सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। जो हमारा नेक का सेंटर है यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है पैटर्न बनाने के लिए, और इस तरह की हमने स्ट्रिप कट कर ली है। इसकी लेंथ मैंने ली है 2 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंचेस। तो इस तरह की हमें टोटल 5 स्ट्रिप्स चाहिए यहाँ पे पैटर्न करने के लिए। तो 1.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे, उसके बाद हमें अप्रोक्स 2.5 इंचेस के डिस्टेंस पे नीचे तक मार्किंग करनी है। तो 2.5 इंचेस के डिस्टेंस पे यहाँ पे हम 5 मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने मार्क कर लिया है, और इस तरफ भी हमें जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। तो 11 इंचेस पे इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है, और यहाँ पे हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट। तो जो हमने मार्किंग लगाई थी वहाँ पे हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे हम स्ट्रेट इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स करना है। तो हम फैब्रिक को अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करेंगे और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स करना है, और इस तरफ से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे इसे सिक्योर कर लेना है। इसी तरह से हमें 5 स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। अब फ्रंट में हमें स्लिट बनानी है, जिसके लिए जो ये हमने मार्किंग की थी यहाँ से हम कट लगा के नीचे तक इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो बीच से हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। पूरी लेंथ तक इसे हमें नीचे तक कट करना है। तो इसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करना है, तो अप्रोक्स हम 4.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें ज्वाइनिंग करनी है, तो अप्रोक्स 1/2 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और नीचे से हमें स्लिट रखनी है। तो यहाँ से अप्रोक्स 32 इंचेस डाउन तक हमें, ऊपर से 32 इंचेस डाउन तक हमें एक मार्किंग लगानी है, और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, उसके बाद आएगी हमारी स्लिट। तो इसमें हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम इस स्ट्रिप को बैक साइड पे फोल्ड करके नीचे तक सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है उसे हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करके हमें नीचे तक सिलाई करनी है। उसी तरह से जो हमारा अपोजिट पार्ट है उसे भी हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके नीचे तक सिलाई करनी है, और जो ऊपर का हिस्सा हमने ओपन रखा था उसे भी यहाँ पर हम सिंपली बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे हम। और ये जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, तो स्लिट को हमने तैयार कर लिया है, और ये हमारा नेक भी बिल्कुल तैयार है। अभी हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको जो बैक का पार्ट है उसे उल्टा रखना है, और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से सिलाई करके स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे, तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें नेक तैयार करना है, तो यहाँ पे हमें कॉलर लगानी है जिसकी हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इस तरह से मेज़र टेप की मदद से इसकी लेंथ मेज़र करनी है। इसकी लेंथ है 16 इंचेस, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 17 इंचेस का हमें स्ट्रिप कट करना होगा। तो इस तरह से मैंने 17 इंचेस का स्ट्रिप कट कर लिया है। इसे हमें उल्टा करना है, रॉन्ग साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों तरफ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप में इस सिलाई करनी है, इस तरफ भी राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हमें सिलाई करनी है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। तो दोनों तरफ से सिलाई करके हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ से हम कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हम एक तरफ से कॉलर को फिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और हमें एक तरफ से एक एंड से दूसरे एंड तक हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम इस तरह से बैक साइड पे टर्न करेंगे अच्छे से, और जो हमारा फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें इस पर सिलाई करनी है। तो फोल्ड करते जाना है और हमें सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और फ्रंट साइड से इस तरह से हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। तो पूरी लेंथ में हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो कॉलर को हमने इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मिलूंगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी 16 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 20 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है, वो मिलेंगे 5.5 इंचेस। और हम सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें 5.5 इंचेस पे एक मार्क करके इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है। तो जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है, इस पॉइंट तक दोनों तरफ से हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है उसमें हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और इसी तरह से इस तरफ भी आपको सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे नीचे तक। इसी तरह से दोनों तरफ हमें सिलाई करनी है और लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे भी हमें बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अभी जो हमने पैटर्न तैयार की थी यहाँ पे हम बटन लगा के इसे डेकोरेट करेंगे। तो कोई भी रेडीमेड बटन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बटन को फिक्स कर लिया है।
और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।